zar da bana. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और क्योंकि हम गए हुए थे बीच में स्कर्दो की तरफ, तो 5-7 दिन का तकरीबन हमारा ट्रिप था। हमने वहाँ पर चक्कर भी लगाया और इन्जॉय भी किया, तो एक व्लॉग हमने वहाँ पर का बनाया भी था, और वो व्लॉग आपने देखा होगा। कुछ वीडियोस वगैरह और भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी इतना हमने व्लॉग्स बनाए नहीं है क्योंकि इन्जॉय करने गए थे, तो ज़्यादा व्लॉग बन भी नहीं सके। तो और अभी इस वक्त हम आए हुए हैं यहाँ पर ज़मीनों की तरफ। ये देखें, ये अभी मैं ठहरा हूँ, ये तिल की फसल है जो कि तैयार है बिल्कुल पक के। ये आप देख सकते हैं, इसमें दाने भी लगे हुए हैं। और अभी हमने सोचा, काफ़ी दिन हो गए बहाने की तरफ चक्कर नहीं लगाया, और आज चलते हैं फिर चक्कर लगाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम सदाम भाई, बिस्मिल्लाह, क्या हाल है आपके। आइए शौकत भाई, आइए भाईजान, आइए भाईजान, आइए साबिर खान, क्या हाल है सदाम भाई। ठीक है, खैरियत से। आप सुनो, ठीक हो, खैरियत है। सुनाओ सलाम भाई, क्या किया आपने आज, क्या काम वाम किया है। स्प्रे दिया हुआ है, कीड़ा लगा हुआ था मकई को। अच्छा, अभी अभी दे दिया स्प्रे, पानी लगा हुआ है। अच्छा, उसमें ये देखें, ये इस तरफ ये ज्वार को पानी लगा हुआ है, भाई ने स्प्रे वगैरह दे दिया अभी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। ये इस तरफ ये चूज़े चर रहे हैं इसमें, दाना और कीड़े वगैरह खा रही हैं इसमें, क्योंकि पानी के साथ आपको पता है ज़्यादा कीड़े वगैरह होते हैं, तो ये फिर इनका नाश्ता है। ये देखें दोस्तों, इनके लिए भी हम रोटी लेके आए थे, कुछ गायों को दे देंगे, कुछ इनको दे देंगे। दला भौंक की जीने वाड़ तो सिर्फ थी। दोस्तों ये देखें, काफी दिनों के बाद मैं खुद भी आज चक्कर लगा रहा हूँ वाणे में। ये देखें इस तरफ काफी आपको चेंजेस नजर आ रही होंगी, क्योंकि जानवर हमने कम कर दिए, सेल कर दिए थे कुछ। अभी ये भी गबन है, ये बड़ी गाय, और ये भी गबन है, और वो रेड कलर वाली भी गबन है। इनको अभी रोटी वगैरह देते हैं ताकि ये कुछ खा लें, और घास भी डाला है मेरे ख्याल से अख्तर भाई ने। डालते जानवर हमने तकरीबन दोस्तों 3-4 सेल कर दिए थे। दोस्तों आपको काफी चेंजिंग नजर आ रही होगी, क्योंकि जानवर बहुत कम हो गए हमारे बहाने में, आपको बहुत चेंजिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि अख्तर भाई जो हमारे पास काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा जानवर मुझसे संभाले नहीं जाते, आप कुछ कम कर दें, और फिर थोड़ा मसला भी होता है इनको संभालने में। तो ये देखें, अभी भी ये भाई साहब घास लेके आए हैं, ये इनके एक टाइम का घास है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ जानवर लेके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये 4-5-6 जो हैं इनसे गुजारा चल जाएगा। बाकी दूध भी नहीं दे रही अभी फ़िलहाल तो, ये क्योंकि ये गबन है, तीन बड़े जो गायें हैं वो हमारे गबन हैं, बाकी तो हैं भी छोटी, देख सकते हैं आप। और इंशाल्लाह फिर ले आएंगे आने वाले दिनों में। कुछ दोस्तों इनको दे देते हैं, ये
मैं छोटे पीसेस किए उनको दे देते हैं। ये खा लेगी। ये देखें दोस्तों, ये भेड़ें बाहर चल रही हैं, आज बाने में नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इनको हमने फ्री छोड़ा हुआ है बिल्कुल। वो देखें कुछ उस तरफ भी हैं। वो हमारी नहीं है लेकिन ये हमारी है। बकरियां दोस्तों इस तरफ है, वहां पर भेड़ें थी, ये हमारी बकरियां इस तरफ है। मैं सोचा दोस्तों काफी दिन हो गए आपको भी चक्कर नहीं लगाया जमीन वाली साइड का, खुद भी चक्कर लगाते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं यहाँ का माहौल। दोस्तों ये आगे वाला मुर्गा जो जा रहा है, ये हम बलूचिस्तान से लेके आए थे। सदाम भाई बैटरी किधर ले जा रहे हो? दूसरी गाड़ी को लगाना है। अच्छा अच्छा, इसको क्या करोगे, पहले धोगे? धोएंगे, साफ करेंगे, खराब हो गए। अच्छा देखें दोस्तों, उसकी हालत देखें किस तरह मिट्टी से भरा हुआ है। ये असल में ट्रैक्टर में जो मिट्टी वगैरह ज़मीनों से उठती है तो इसी वजह से ये फिर ये ज़्यादा इसमें मिट्टी जमा हो जाती है। देखें दोस्तों बकरियां हमारी अभी आ गई हैं वापस चर के, पेट फुल हो गया इनका भी, अभी ये आ गई हैं वापस। ये देखें नन्हे मुन्ने से इनके बच्चे भी साथ में मेमने। ये देखें काफ़ी मेहनत करने के बाद ये लड़कों ने साफ तो किया इसको ज़बरदस्त। अब ये दूसरी ट्रैक्टर पे इसको फिट करेंगे फिर चलाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं वहाँ पर लियाकत भाई की तरफ, वहाँ पर उसका भी चलते हैं वहाँ लियाकत भाई के पास मिठनी का आपको वीडियो दिखाते हैं। वहाँ पर भाई लोग निकाल रहे हैं बकरी, जो ये मीठा जो नींबू होता है उसको मिठनी बोलते हैं मेरे ख्याल से, जाते हैं उसको आपको वहाँ पर दिखाते हैं। दोस्तों अभी ये हम आए हुए यहाँ पर, ये मिठनियों के बाग में, यहाँ पर भाई निकाल रहे थे सुबह, अभी भी शायद निकाल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। और ताज़ा ये भाई लोग यहाँ से निकालते हैं और आगे जाकर फिर मार्केट में फट्टा रेड़ी पे और बेच के आ जाते हैं। दोस्तों ये है, ये मिठड़ी के बाग हैं, उस तरफ भाई छांडी कर रहे हैं इनको। और ये देखें इस तरफ ये फ़िलहाल रहता है मीठे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ। ये सारा इलाका फिलहाल रहता है इस तरफ, भाई निकाल रहे हैं उस तरफ। वो देखें वो साथ साथ उस पर डाल रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इस तरफ। देखें ये सारा इलाका रहता है अभी। ये देखें दोस्तों इस तरफ ये भाई निकाल रहे हैं साथ साथ। मामू क्या हाल है? ये इस तरफ भाई इकट्ठे कर रहे हैं, कल सुबह भी एक रेड़ा लेके गए थे। ये आपको एक काट के दिखाते हैं, माशाल्लाह बड़ा जूसी है ये।
ये भाई काट रहे हैं, अभी एक आपको काट के दिखाते हैं दोस्तों। जूसी है बहुत, उसमें रस ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, ये माशाल्लाह दोस्तों बहुत मीठा है, ये बहुत मीठा है फ्रेश। ये देखें, ये भी भाई ने काटा है ज़बरदस्त। मज़ा आ गया, हम भी अभी खाते जा रहे हैं। खा लो खा लो, आप भी खा लो। दोस्तों अभी मिठड़ी खा ली, अभी चलते हैं हाथ धोते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों इस तरफ भाई साहब की गायें चर रही हैं माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं इस तरफ। ये दूसरी गायें, फिलहाल इनका 2-3 दिन और लगते हैं यहाँ पर ये मिठड़ियों के लिए। बहुत ही फ्रेश मिठड़ियाँ थी। तो अभी हमने यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह बना लिया, अभी चलते हैं वापस घर की तरफ और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।